हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख पा रहे हैं क्लिप हैंडमेड हैं। अभी हम लोग क्लिप लेंगे, नॉर्मल क्लिप लेनी है। उसके बाद उस क्लिप पे ग्लू लगाएंगे। ग्लू हम पीछे की साइड में ज़्यादा लगाएंगे और आगे की साइड थोड़ा कम, क्योंकि रिबन चिपक जाने के बाद में वो ग्लू शो होने लगता है। इसलिए हम लोग रिबन पर ग्लू लगा लेंगे, मतलब सॉरी रिबन पर नहीं, पूरी क्लिप पर ग्लू लगाएंगे पीछे की साइड, और उसके बाद हम इस पर रिबन लगाएंगे। रिबन हमें ये क्लिप खोलने के बाद में रिबन अंदर से लपेटनी पड़ती है। ये आप देख पा रहे हो, जैसे कि एक एक, मतलब उसकी एक लेयर पे धीरे धीरे लपेटेंगे। ये पूरी क्लिप हम इसी रिबन से कवर करेंगे इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे हैं। नॉर्मली घर में, सबके घर में क्लिप पड़ी रहती हैं जो कि ब्लैक कलर की होती हैं, तो हम लोग उसे अपनी ड्रेस से मैचिंग का रिबन लेकर, जिस ड्रेस पर हमें लगानी है उस ड्रेस से मैचिंग का रिबन लेकर हम उसे अपने क्लिप को पार्टी वियर लुक दे सकते हैं। तो ये हमने रिबन लगा दिया है अपनी क्लिप पर। ये आप देखिए, मैं धीरे धीरे लपेट रही हूँ। ये पूरा लपेटने के बाद में मैं इसको डेकोरेट करूँगी। घर पे जो भी सामान पड़ा हो हम उससे डेकोरेट कर सकते हैं। कई बार कान के कुंडल पड़े रह जाते हैं, या मतलब और गले का कोई भी सेट खराब हो जाता है, वो ऐसे कोई भी स्टोन वगैरह निकली हुई कोई भी पड़ी हो चीज़, उसको हम क्लिप पे चिपका देंगे तो ये फैंसी बन जाएगी क्लिप, बहुत अच्छी लगेगी देखने में। तो मेरे पास तो बने बनाए फ्लावर्स पड़े थे, तो मैं ये क्लिप को कंप्लीट करके वो फ्लावर्स लगाने वाली हूँ इस पर। आप लोगों का मन जो करे वो चीज़ लगा सकते हो, आप स्टिकर भी लगा सकते हो। ये जॉइंट पे थोड़ा ध्यान से आप इसको वो करें, जॉइंट पर ग्लू ज़्यादा लगाकर इसको फोल्ड कर दें, ताकि जॉइंट पे ऐसे ही खुलने का डर रहता है रिबिन का। तो ऐसे आप इसको लपेट सकते हो, ऐसे मेरी तरह। अब ये देखिए, धीरे धीरे पूरी मैं लपेट दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट जॉइंट है, पूरा जॉइंट खत्म हुआ जा रहा है। ये इस तरीके से हम इस पर रिबन लपेट देंगे। अभी लास्ट चल रहा है, ये कंप्लीट होते ही हम इस पर स्टोन लगा देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगी क्लिप। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोग घर पे जरूर ट्राई करिए। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए इस तरीके से, और रिबन को थोड़ा सीधा ही रखिएगा, क्योंकि ये फोल्ड होता है जब हम लोग इसको रिबन को चिपकाते हैं ना, तो ये फोल्ड होने लग जाता है, तो उसको सीधा ही करिएगा। अगर ये फोल्ड हो जाएगा तो ये और लगने लगेगा, तो पूरा ऐसे ही कवर करना है इसको इस तरीके से। अब हम थोड़ा और ग्लू लगाएंगे ताकि इसका जॉइंट अच्छे से चिपक जाए, फिर इसको हम लोग कैंची की मदद से सीजर से काट देंगे इस तरीके से। अब हम स्टोन का चिपकाने का काम करेंगे। ग्लू लगाएंगे थोड़ा सा, ऐसे क्लिप को खोलने के बाद हम ग्लू लगाएंगे इस पर, और ये ग्लू लग गया है। अब हम इस पर फ्लावर चिपका देंगे। देखिए, थोड़ा ग्लू ज़्यादा लगाना, वरना मेरी तरह आपके साथ भी होगा। ये ग्लू लगाने के बाद में मैंने ये जैसे ही ये क्लिप खोली, तुरंत से झटक से वो निकल गया फूल, तो थोड़ा ग्लू ज़्यादा लगाना ताकि वो चिपक जाए अच्छे से। इस तरीके से हो सकता है आपके साथ भी, तो क्लिप में थोड़ा ग्लू ज़्यादा लगाएं, दोनों पॉइंट पे क्लिप वो लगा दें ग्लू, उसके बाद दोनों पे फूल चिपका देंगे हम। तो एक पेयर मेरा रेडी हो जाएगा। देखिए, मेरे पास एक बनी हुई क्लिप रखी है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने दो पेयर बना लिए हैं। अभी अच्छा लग रहा है। अब आप देख बताइए कैसा लगा आपको। आप भी घर पर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।